पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हैं। नेताओं के पाला बदलने का खेल भी बदस्तूर जारी है। हाल ही में टीएमसी के कई कद्दावर नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इस बीच शनिवार को टीएमसी की ओर से एक अच्छी खबर आई। लगातार बागी नेताओं के संकट से जूझ रही टीएमसी में पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा शामिल हो गए। जी हां, अटल सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। यशवंत सिन्हा ने कोलकाता में टीएमसी दफ्तर में पार्टी के सदस्यता ली। उन्होंने टीएमसी का झंडा लहराते हुए ममता बनर्जी की पार्टी का हाथ थाम लिया। पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने ममता बनर्जी के साथ बातचीत भी की थी। यशवंत सिन्हा ने सांसद संदीप बंदोपाध्याय और मंत्री सुब्रत मुखर्जी की मौजूदगी में टीएमसी का दामन थाम लिया। टीएमसी नेता संदीप बंदोपाध्याय ने बताया कि दीदी के साथ यशवंत सिन्हा की बातचीत काफी सकारात्मक रही। सूत्रों के मुताबिक दिनेश त्रिवेदी की जगह अब यशवंत सिन्हा को टीएमसी राज्यसभा भेज सकती है। टीएमसी में शामिल होने के बाद यशवंत सिन्हा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी की आलोचना करते हुए सिन्हा ने मीडिया से कहा, प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं होती हैं। आज लगभग हर संस्था कमजोर हो गई है, उसमें देश की न्यायपालिका भी शामिल है। हमारे देश के लिए ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अटल जी के समय में बीजेपी सर्वसम्मति पर विश्वास करती थी, लेकिन आज की सरकार कुचलने और जीतने में विश्वास करती है। अकाली दल, बीजेडी, शिवसेना पहले ही बीजेपी का साथ छोड़ चुकी है। आज बीजेपी के साथ कौन खड़ा है? यशवंत सिन्हा पिछले लंबे वक्त से बीजेपी से नाराज चल रहे थे और लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद यशवंत सिन्हा काफी समय से सक्रिय राजनीति से दूर थे, लेकिन बीजेपी का विरोध करने से कभी नहीं चूकते थे। यशवंत सिन्हा खासकर मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से लेकर विदेश नीतियों तक की आलोचना करते रहे। उनके बेटे जयंत सिन्हा बीजेपी से सांसद है। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में शामिल हुए थे। वो चंद्रशेखर सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। अटल सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं। सिन्हा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी नेताओं में शुमार थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की बीजेपी उन्हें रास नहीं आई। जाहिर है, बड़े नेताओं के पार्टी से जाने से टीएमसी पहले से ही बंगाल में मुश्किल में है। ऐसे में यशवंत सिन्हा के टीएमसी में शामिल होने से पार्टी को मनोबल तो मिलेगा, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट।